हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा आईफोन होता है, अगर वो जैसे कि एप्पल लोगो पे स्टक हो जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक आईफोन है, ये जो है एप्पल जो लोगो आता है उस पर स्टक हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑन ही नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पीसी पे जाना है। अगर आपके पास, अगर मैकबुक है आपके पास तो और भी अच्छी बात है, वरना अगर जैसे कि विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बार बार एप्पल लोगो पे आ रहा है और फिर वापस ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को साइड में रख देना है। पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, इसमें आपको ये साइट ओपन करनी है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर विंडो है आपके पास तो क्या करना है, हमें जो है यहाँ से डाउनलोड करना है आईट्यून्स। अब जो आईट्यून्स है आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं विंडो 10 के लिए कर देता हूँ 64 बिट। तो जैसे मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे कि मैं इसको अभी डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है आईट्यून्स का सेटअप। तो हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो इस पर डबल क्लिक करना है हमें, फिर कुछ फाइल एक्सट्रैक्ट होगी तो उसको होने देना है। पहले आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो हो सकता है आपका फ़ोन ऑन ना हो। तो जैसे कि नेक्स्ट करना है हमें, फिर उसके बाद फिर इंस्टॉल। यहाँ पे आप चाहें तो लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है सी ड्राइव में ही इसको रहने दें, डिफ़ॉल्ट लोकेशन ही। इंस्टॉल करते हैं, यस पे क्लिक करना है, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। फिर से आपके सामने एक यस का ऑप्शन आएगा, तो आपको फिर से यस करना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें फिनिश पे क्लिक करना है, अपने फ़ोन को आपको कनेक्ट ही रखना है इसमें। फिनिश किया तो यहाँ से आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे चाहे तो आप ये पहले सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो चेक करेगा, यहाँ से आप एग्री भी कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, पहले तो जो भी मेरा फ़ोन कनेक्ट था, पहले तो ये दिखा रहा है कि आईट्यून्स का जो नया वर्जन है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं इसका और इंस्टॉल कर लेते हैं उसको पहले। तो कर लेते हैं हम इसको इंस्टॉल, यहाँ से यस करते हैं, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। छोटा सा अपडेट है 3 MB का, तो हम कर लेते हैं पहले अपडेट इसको, सॉरी 38 MB का। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अब ये इंस्टॉल कर रहा है हमारा जो भी अपडेट है लेटेस्ट। फ़ोन में आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि बस स्क्रीन आ रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि लाइट चालू है उसमें, लेकिन कुछ भी शो नहीं हो रहा।
मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्लोज हो चुका है, मतलब अब इंस्टॉल होके वापस ओपन होगा वो, एक बार से रीस्टार्ट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये कम्प्लीटली हो चुका है, मैं यस करता हूँ इसको सिंपल सा, लैपटॉप हमारा जो है एक बार रीस्टार्ट होगा। उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा iTunes है वो अपडेट हो चुका है, मैं आपको फ़ोन भी वापस दिखा देता हूँ, आप देख ही पा रहे हैं। मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि सेम वही चीज़ हो रही है, वही पेस्ट हो रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो अब करते हैं हम iTunes ओपन, तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम iTunes। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये वापस वहीं पर आ चुका है जो हमारे ऐप लोगो पे स्टक हो रहा था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना फ़ोन जो कनेक्ट करके रख देना है, उसके बाद हमें iTunes ओपन करना है जो कि हमने इंस्टॉल किया था। ये हमारा ओपन हो चुका है, ओपन होते ही आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, कैंसिल, अपडेट और रिस्टोर। आप चाहें तो रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो आईफोन 6 है, ये जो मेरे हाथ में है अभी, तो आपको क्या करना है, आपको आप अगर रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली अपडेट करूँगा। तो मैं यहाँ से अपडेट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बता रहा है कि जो है ये अपडेट करेगा iTunes के थ्रू, तो हम अपडेट पे वापस से क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमें, फिर से एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा अपडेटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपके सामने जो भी आपने कनेक्ट कर रखा होगा उस आईफोन का जो है मॉडल नंबर और सीरियल नंबर यहाँ पे ये दिखा देगा। तो अब ये सिंपल सा अपडेट हो रहा है, यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हैं कि जो है डाउनलोडिंग का एक ऑप्शन चल रहा है, ये आप देख सकते हैं 2.83 GB का है। तो ये जब तक डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो मैं सिंपल सा अपडेट कर लेता हूँ इसको पहले। तो यहाँ से वापस से हमारे पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तो करते हैं हम वापस से अपडेट पे क्लिक। वापस से अपडेट पे क्लिक करना है हमें। हमारी फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है 2.35 GB। फ़ोन आप लोग देख सकते हैं कि उसी कंडीशन में अभी तक। यहाँ से हमारा ये दिखा रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है फाइल्स, फिर इसके बाद जो है फ़ोन में इंस्टॉल करेगा जो भी अपडेट है इसके। इसी बीच अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी बता सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ रहा है प्रिपेयरिंग आईफोन, रिस्टोर वेटिंग फॉर आईफोन। ये हमारा रिस्टोर कर रहा है आईफोन को। आप देख सकते हैं कि एप्पल लोगो पे आ चुका है वापस से फ़ोन। इसके बाद हमें थोड़ा वेट करना है। ये आप देख सकते हैं फ़ोन में भी कुछ लोडिंग स्टार्ट हुई है, मतलब इंस्टॉल हो रहा है सॉफ्टवेयर। और इसी बीच अगर आप मैकबुक में इसको ट्राई करते हैं तो आपको डायरेक्टली अपना जो भी फाइंडर है मैकबुक में, फ़ोन कनेक्ट करके फाइंडर पे क्लिक करना है, वहाँ पे जाके आपके पास डायरेक्टली अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो फ़ोन है वो हो चुका है कम्प्लीटली रिस्टार्ट। तो अब देखते हैं हम इसको कि वापस वहीं स्टक होता है या नहीं होता, या ऑन होता है। तो अभी एक बार और इसमें कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा ऑन हो चुका है टोटली। तो यही था आज का इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसी जो वीडियोस है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। और अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।